तो अभी क्रिकेट खेल रहे हैं। आउट कर, कैच कर, कैच। गुड 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 गुड। मेरी बॉलिंग में दो कैच उठे, किसी ने नहीं पकड़ा, मेरा एक बार में पकड़ लिया। चीटिंग है, आवाज मोदी तक जाएगी। आउट ऑफ बाउंड, छोड़ दिया। ट्राई बोल के बोला, मालिक की बात सुनते हैं लोग। बहुत बढ़िया चौका, मैंने भी एक ही चौका मारा, एक चौका मार पाया बस। दोस्तों बॉल घूम गई, मेरी बॉल पे सिक्स पाया, अरे 12 रन भी बनाए मैंने अभी तक, तो सबसे रन मेरे हैं क्योंकि सबको दो दो ओवर खेलने को मौका मिलता है और दो दो ओवर में जितने रन बना लो बना लो, मैं आउट भी नहीं हुआ। ये अचीवमेंट है, कम से कम 8 साल बाद खेलना है क्रिकेट। तो हमारी दोनों बेटियां देवियां तैयार हो गई हैं और इनकी मम्मी इन दोनों बेटियों को पापा के पास छोड़ कर जा रही है। जा रही मम्मी, कहाँ जा रही मम्मी तो बता। दोस्तों 3:30 बज गए, मैंने तो पूरे घर का काम किया है मुझे जितना पता है, और ना मालवीय जी नहाए ना गीत नहाए क्योंकि ये लोग सुबह 11 बजे से नहाए। तो ये सब बताने की क्या जरूरत है, ये तो बिहाइंड द कैमरा काम हो रहा है, सुबह से काम नहीं कर रहे हैं। तैयार भी कर दिया, हम काम नहीं कर रहे, सुबह हम नहीं बोलने देंगे, हम नहीं बोलने देंगे। तो हो सकता है ये अच्छे दिखे, तो थोड़ा मैं इनके लायक तो थोड़ी तो लगूं, कम से कम इनकी दासी के लायक तो लगूं। बाप रे, थ्रेडिंग करवाने, हेयर वॉश मैंने कर लिया है पर फिर भी सेट करवाने, और देखूंगी क्लीनअप हुआ तो 2 घंटे के लिए मैं जा रही हूँ, इनको अच्छे से फिट कराया। अब आप जो रोज मेरा स्ट्रगल देखते हो, आप मालवीय जी आपको दिखाएंगे। मैं नहीं दिखाता इनको, दोनों को फीट भी नहीं कराना है, सिर्फ दो मैं नहीं दिखाता हूँ। इस बीच गीत को नहला के तैयार करना है, यहाँ मैं झाड़ू पोछा सब हो चुका, लेकिन जो फैलाया बाद में गया वो समेटना है, उसके बाद खुद नहाना है, और जो भी है सब रिकॉर्ड होना चाहिए मालवीय जी। कुछ नहीं मनाएंगे हम, नहीं यही नहीं मनाते दोस्तों। पापा का स्ट्रगल स्ट्रगल नहीं होता, मम्मा एक दिन रख लेंगे, अगर स्ट्रगल करा भी तो क्या स्ट्रगल किया, कोई स्ट्रगल नहीं होता। 1 घंटे या 2 घंटे रखने को स्ट्रगल होता है। देखो हम मेरे जीभ चलाए तो ये जीभ निकालती है, ये देखो पद्दू। तो दोस्तों इसको अभी आप तो पहचानने लगे हो कि वैसे ये कौन है, जल्दी बताओ मुझे। हमारे बच्चे और मम्मी तैयार हो रही हैं मेरे बर्थडे के लिए, पता नहीं क्या प्लान किया रचना, कहाँ गए मनाना बर्थडे। अच्छा जाना है तो बर्थडे मनाना, तो कहाँ मना रहे हैं, क्या है, पैसे पैसे वैसे है नहीं। मेरे को सिर्फ 1.5 महीने हो गए गए हुए, मेरे को थ्रेडिंग बनवानी है, सेंड में जा रही हूं। पिछले हफ्ते तो ब्लॉग डाला था जिसमें तू पार्लर जा रहे हैं। चलो दोस्तों रचना जा रही है, जाने दो उसको, अपन क्या करना है बेटा, आप लोग सो जाना, 2 घंटे बाद ही उठना ना। बेबी गीत रेडी हो गया है, हमारा क्यूटी पाई टू गीत रेडी हो गई है, और मम्मी नहीं है तो गीत थोड़ा थोड़ा सा क्राई कर रही है। क्यों क्राई कर रहे हो गीत, नो क्राई, दीदी रो रही ना भाई, चलो बेबी को देखते, बेबी क्यों क्राई कर रहे, आओ खेलेंगे अपन, जाओ। दोस्तों बेबी बेबी रीत बेबी रीत क्राई कर रहा है, पता नहीं क्यों क्राई कर रहा है, बहुत देर हो गई गीत को नहला रहे थे तो नहीं सुन पाए। क्या हुआ क्या हुआ बताओ, क्यों रोना आ रहा है बताओ। गोदी की आदत जो है ये ना पापा, एक है पापा की आदत, सुन आवाज़ सुनती रहेगी ना तो ये चुप नहीं रहेगी, अंटी अनलेस की नींद में ना जाए, ये भी नींद में है, ये तो नहीं है। 5 रचना का तो स्ट्रगल दिखाना, तो स्ट्रगल यही दिखाना कि उसको रो रही थी तो उसको चुप करा दिया है, ये नहला दिया है, ये बाहर खेल के भी आ गई, अगर ये बाहर खेलने गई थी तो डोर खुला रहता है जिसकी वजह से मैं नहा नहीं सकता, तो अभी तक नहाया नहीं हूँ। जब तक मैंने सोचा कि कपड़े धो देता हूँ, बहुत सारे कपड़े थे एक्चुअली, में क्या होता है कि 2-3 बजे के बाद फिर नहीं धोते, तो मैंने अभी 5 बजे जितने भी निकलना है हाथों हाथ धो दे रहा हूँ कि कल रचना को थोड़ा सा आराम मिल जाएगा, और कुछ नहीं। तो ये रचना तो बहुत ज़्यादा करती होगी, मैं तो सिर्फ 2 घंटे में हालत ख़राब सी हो गई, ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा, ख़राब सी हो गई ऑलमोस्ट, और बारिश होने लग रही है, और बारिश होने लग रही है तो देखो रचना आ जाए तो अच्छा है टाइम से, नहीं तो अभी तेज़ बारिश हुई तो रचना भीग जाएगी, और मैं अपने आप को नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं नहाया नहीं अभी तक, 5 बज रहे हैं, भूख भी लग रही है, बीच में ब्रेकफास्ट कर लिया था 2 बार तो अब भूख लगना शुरू हो गई, तो अब गीत टीवी देखेगी, तो गीत अगर टीवी देखेगी तो मैं नहा लेता हूँ। गीत पापा नहाने कर लें, ठीक है मम्मी आई तो फिर पापा आ जाएंगे, है ना। नहा के आए तो ये रोने लगे, क्या हुआ क्या हुआ, यही रो रही पहले से, गीत दूजी तो सो रही पहले से, रीत आंसू आ गए बाप रे। चलो गोदी लेते हैं पापा, पापा नहाना मुश्किल कर दिया, तो भूख लग रही है, ये दीदी रोने लगी, हालांकि इसकी उम्मीद नहीं थी रोएगी, एक बार सो गई थी तो सो जाती है, हो सकता है पेट सही से नहीं भराया हो या फिर कुछ और दिक्कत आ गई हो, मत रो ना मत रो, कोई बात नहीं है ना, सो जाए सो जाए, चुप तो हो जाते हैं बच्चे, अच्छे अच्छे मेरे, ओ मेरी देवियाँ। तो बढ़िया अच्छे गीत देख रहे मोटू पतलू, ये उड़ गई थी फिर उसको सुलाया,
बेटा बेबी उठ जाएगा, इसलिए आप पापा कह रहे हैं चुप रहो ना। ये तो देखो अभी सो रही फिर जग रही, पापा को भूख लगने लगी है। पापा भी गधे हैं कि पापा ने सोचा तो ना के खाएंगे, पर नहीं। बेबी चिच्ची कर चुकी, एक बेबी चिच्ची कर चुकी। आपको करना है चिच्ची? नहीं। अच्छा चुपचाप खेलो फिर, नहीं तो ये उठ जाएगी आवाज से आपकी। बड़ी मुश्किल से समय मिलता है अभी। एक आज मैं सोसाइटी कोई काम नहीं किया, घर पे था बस। सोसाइटी काम जो भी किया मैं घर से ही किया। अभी एक सज्जन आए थे मेंटेनेंस देने, तो उनकी रसीद भी बनाई बैठे बैठे यहीं। उनको ना पानी चाय नहीं पिला पाई क्योंकि बच्चे गोदी में, तो वो भी समझते हैं कि नहीं थी। आज मेरा मन था कि मैं देख के आऊँ मिशन इम्पॉसिबल 6:30 का शो। मैंने सोच रहा था कि रचना आ ही जाएगी जब तक। तो दोस्तों बच्चे को वापस सुला दिया, मैं थोड़ा खाना खा लेता हूँ और अगर रचना 3 घंटे हो जाएंगे, और ऑब्वियस है कि थोड़ा सा तो ज़्यादा टाइम लग रहा है पार्लर में क्योंकि स्क्वायर फिट का एरिया ज़्यादा बड़ा है। सॉरी, ये सब उसके सामने आके उसके मजाक उड़ाएंगे। तो अगर वो बोले कैसे लग रहा है तो हम बोलेंगे गंदी लग रही है। मजा आएगा, ऐसे तो प्यार बढ़ता है। आप अगर हस्बैंड हो तो ऐसे ही वाइफ के थोड़े थोड़े मजे लो और फिर प्यार में मनाओ, गुस्सा आ जाए तो। यही तो है यार, इस प्यार को लंबा भी चलाना ना यार। अभी तो 5-6 साल की हुए हमारे रिलेशनशिप, पता नहीं क्या कहना। चलो खाना खाते हैं। रचना ने बनाई दाल चावल और रोटी, तो मैं खा चुका हूँ पहले, ऐसी बात नहीं है। दाल चावल थोड़े से और खा लेते हैं। फाइनली आफ्टर 3 आवर्स, 3 के 4 हो गए, एग्जैक्ट 3 हुए। वो तो रह लेंगे, दिन भर रह लेंगे मैडम। आप कोई ऑक्सीजन थोड़ी ना सो रहे हैं। ऐसे जल्दी जल्दी पैसे देती हूँ फिर भी कम टाइम में कराना पड़ता। दीदी जल्दी करो, उन्हें कहा देख तो लो। मैं कहा नहीं, उन्हें क्लीन अप का दी मैम और करना ही, टाइम नहीं है मेरे पास। तेरी आवाज सुन के चिल्ला रही मैडम, आपकी आवाज सुनते सही। दोस्तों अभी मैं गया था राजवाड़ा, जहाँ से मैं आपको दिखाया था जो वीडियो, वो एक्चुअली में मैं गया था कहीं और। वो मैं बताऊँ कहाँ गया था। मैं गया था मिशन इम्पॉसिबल मूवी देखने, और मैं कब गया मैं सब ब्लॉग में नहीं बताना चाहता था। मुझे इतना अच्छा व्यू आया राजवाड़ा से आते समय। रेपिडो से गया था, रेपिडो से आया हम ना, मैंने बाइक चलाई ना कार से गया। मैंने अब तो दूसरे लोग चलाएं तो सही लग रहा था। तो आते में इतना अच्छा व्यू आया तो मैंने रिकॉर्ड करा, मैं सब आपको बताना पड़ रहा है। तो मूवी अच्छी थी, देखने लायक मूवी है, और थोड़ी दूर थी इसलिए मैं रेपिडो से गया क्योंकि बारिश हो रही थी। मैं सोचा बाइक से जाऊंगा, तो आते में फिर ऑटो से आऊँगा, मैं नहीं हुई बाइक से आ गया आते में। मूवी अच्छी थी, रचना घर पर आराम कर रही थी, मैं बच्चों को सुला के चला गया था। कुछ सब्जी ले आता हूँ क्योंकि 2 दिन हो गए कुछ भी नहीं लाए, तो आलू प्याज सब खत्म हो गए। रचना चाह रही टमाटर लेके आओ, देखते हैं टमाटर मिलते हैं कि नहीं, सस्ते होंगे तो लाएंगे। तो दोस्तों रचना अभी ने दोनों बच्चों का ध्यान रखा है, अभी रख रही इसका ध्यान, और दोनों बच्चे हमारे। देखो क्यूट ही पाएगी, हम इसको इसलिए दिखाते हैं रात को आपको दोनों को कि आपका दिन अच्छा जाए। हमारी दीदी है उधर, दीदी वाली खेल रही, ये दीदी सो रही है। एक को सुलाया जाना, उठाना मत, अब मैं नहीं सुला रहा, थक गई। रचना आज बहुत थक गई है, कल रात को भी नहीं सो पाई थी और दिन में भी नींद पे नींद आ रही थी बस। पता नहीं वो रीत बहुत रो रही थी दिन में, या तो वो उनके घर गई थी, तो शायद मैं पूछूंगी नहीं कहता भाभी से कि उन्होंने ज्यादा देर गोद पे तो नहीं रखा था, क्योंकि उसको बहुत जल्दी गोदी की आदत थी। फिर गोद की जिद करती, मैं उनको बोलूंगी आप नीचे रख के खिलाओ जितना खिलाना, नहीं तो मेरी बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। तो दोस्तों बजने वाले 12 करते हैं आज का ब्लॉग यहीं खत्म समाप्त। मिलते हैं आपसे कल, बोलो गीत गुड नाइट, नाच बाय बाय, जय माता दी, जय बीवी।